नमस्कार, पहाड़ समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। धनौरी में पंजाब नेशनल बैंक पर कोविड 19 को लेकर कोई सुविधा नहीं मिल रही है, जिसके चलते बैंक के में सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ती दिखाई दे रही है। ग्रामीणों का कहना है कि हमारे क्षेत्र में एक ही बैंक होने की वजह से काफी भीड़ यहां पर इकट्ठी हो जाती है। लोगों का कहना है कि पूरा देश इस वक्त कोरोना महामारी से जूझ रहा है, ऐसे में अगर बीमार शख्स को दवाई के लिए पैसे निकालने हो तो उसे भी बैंक में 4-5 घंटे तक लाइन लगानी पड़ती है। बैंक कर्मचारियों को बार बार सूचित कराने के बाद भी बैंक कर्मचारी इस मामले में कोई भी सुध नहीं ले रहे हैं। जो एक किसान बुजुर्ग बैठे हुए हैं, ये पैसे निकालने के लिए आए हैं, और यहाँ पे रोज का ये है। अभी देखो आप, टाइम 10 बज चुके हैं, कोई भी कर्मचारी नहीं आया यहाँ पे। और ये अगर किसी को 500 रुपये निकालने, 1000 निकालने हैं, तो पूरा दिन यहीं पे लगेगा। ये बुजुर्ग आदमी ये कैसे बैठ पाएंगे यहाँ पे? और ना कोई व्यवस्था है, कर्मचारी नहीं है यहाँ पे। दो कर्मचारी है पूरे बैंक में, कम से कम 50-60 बैंक लगे हुए हैं। और यहाँ पे दलाल आएंगे और वो अंदर घुस जाएंगे डायरेक्ट, उनको कोई मने नहीं करता है यहाँ पे। नहीं नहीं, यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। ये टेंट जो लगा हुआ है, ये अभी 2-4 दिन से लगा हुआ है, नहीं तो यहाँ पे बहुत लंबी लाइन लग गई। जहां पंजाब नेशनल बैंक के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो धर्मेंद्र, बताइए क्या कुछ पूरी जानकारी मिल पा रही है? की बात है, ऐसी लापरवाहियां पहले भी देखने के लिए मिलती रही हैं बैंक को लेकर। एक बड़े लॉकडाउन से इस समय जिला ही नहीं, प्रदेश बल्कि पूरा देश जूझ रहा है। जिस तरह से लॉकडाउन लगाया गया है, और प्रशासन ने ये गौर, तो जाहिर सी बात है कि कोरोना की सुरक्षा से जनता जनार्दन की सुरक्षा के मद्देनजर इस कदम को उठाया था। ऐसी सूरत में जब ऐसा तो नहीं कि पूरी तरह से बैंक बंद कर दिए गए थे, लेकिन ये जनता की भी जिम्मेदारी बनती है। जब बैंक में आपको मौका मिला है कि आपको जाना है, आपको कुछ काम करना है, पैसा निकालना है, जमा करना है, या जो भी आपकी अन्य गतिविधियां हैं, ऐसे में आम नागरिक की भी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन इन सारी बातों को दरकिनार करते हुए वो जिस तरह से झुंड लगाकर सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं, कई जगह पर मास्क भी, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने मास्क नहीं लगा रखे हैं, तो ये कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही खुद जनता की है, जो उनको ध्यान देना चाहिए। अब हर जगह शासन प्रशासन अपने आदमियों को अलर्ट नहीं कर सकता, हर जगह खड़ा नहीं कर सकता, तो ऐसी सूरत में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जनता की भी है। जब आप देख रहे हैं कि पूरा देश, पूरा विश्व महामारी से जूझ रहा है, कोरोना जैसी भयंकर बीमारी से, तो ऐसे में आपकी जिम्मेदारी, आपकी सोच समझ, आपकी जागरूकता कहाँ जाती है? ये बड़ी लापरवाही है जिसकी जिम्मेदार खुद जनता है। इनको इस चीज से दूर रहना होगा और समझना होगा इस बात को कि खुद जिम्मेदारियों का निर्वहन करें, और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने का जिम्मा जो बार बार शासन प्रशासन के सिर पर ठीकरा फोड़ा जाता है, ये कहीं ना कहीं सरासर गलत है। जी शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो धनौरी से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पर पंजाब नेशनल बैंक के बाहर लंबी भीड़ देखने को मिली। आपको बता दें कि खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए लोग साफ तौर पर धनौरी शाखा में देखने को मिले। आपको बता दें कि इस वक्त कोरोना महामारी फैली हुई है, लोग लगातार लापरवाही बरतते जा रहे हैं, जैसा मामला अभी धनौरी से भी सामने आया। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पर, जहां विकास नगर तहसील क्षेत्र में ग्राम समाज की जमीनों पर अवैध कब्जे किए जा रहे हैं। अवैध कब्जे की शिकायत पर कार्यवाही भी चल रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि उक्त व्यक्ति और उसका परिवार काफी दबंग प्रवृत्ति के हैं, बात बात पर गांव वालों के साथ झगड़े करने पर वो उतारू हो जाते हैं। साथ ही ग्रामीणों को जान से मारने की भी धमकी दी गई है। वहीं जब एसडीएम विकास नगर से इस बारे में जानकारी लेनी चाहिए, तो उनका कहना था कि इस मामले पर जल्द ही कार्यवाही के लिए क्षेत्रीय पटवारी व तहसीलदार को भेजा जाएगा, जो भी बात सामने आएगी उस पर कार्यवाही की जाएगी। यहाँ पर अभी धर्मावाला के कुछ ग्रामीण लोग मेरे पास आए थे, जिसमें उनका कहना है कि ग्राम समाज की ज़मीन पे अवैध कब्जा हो रहा है। तो उसमें अभी मैं अपनी रेवेन्यू की टीम को भेज के वहाँ पर चिन्हीकरण करवा लेता हूँ और एक जांच करवा रहा हूँ, जिससे कि अगर जो भी अवैध निर्माण या अवैध कब्जा ग्राम समाज की या सरकारी ज़मीन पर निकलेगा, उसको हम तुरंत हटा दिया जाएगा। तो विकास नगर से अवैध कब्जे का यह मामला सामने आया है। आपको बता दें कि गांव में एक अवैध कब्जा किया जा रहा था, जिस पर ग्रामीणों का कहना है कि कब्जा हटाने की मांग लगातार की जा रही है। वहीं ग्राम समाज की जमीन पर इस तरीके से अवैध कब्जा किया जा रहा है, और जो व्यक्ति कब्जा कर रहे हैं वे बेहद ही दबंग प्रवृत्ति के हैं। जब ग्रामीण व्यक्ति उनसे कब्जा हटाने की बात करते हैं, तो वह उन्हें जान से मारने की भी धमकी देते हैं। फिलहाल मामले पर
मामले पर शिकायत की गई है, जिसके बाद अधिकारियों का दावा है कि वह जल्द से जल्द इस मामले में कार्यवाही करेंगे। जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। लालकुआ के बिंदु खता क्षेत्र के इंदिरा नगर में विधायक निधि से सीसी रोड का निर्माण कराया गया है, जिसका उद्घाटन क्षेत्रीय विधायक नवीन चंद्रा ने किया। इस दौरान बीजेपी के कई पदाधिकारी मौके पर मौजूद रहे। विधायक नवीन चंद्र ने कहा कि क्षेत्र में विकास के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है, साथ ही आगे आने वाले दिनों में सभी क्षेत्रों की सड़कों को पक्का कराया जाएगा। इसके अलावा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों को मुख्य सड़कों से भी जल्द जोड़ा जाएगा। इसके लिए कार्य योजना भी तैयार की जा रही है। ये इंदिरा नगर क्षेत्र है, छोटी छोटी बस्तियों के बीच में सीसी मार्ग बनाने का कार्यक्रम अभी शुरू हुआ है थोड़े दिन पहले। ये निरंतर चलता रहेगा। आज जो है उत्तराखंड सरकार का आयुष विभाग, उसने भी आज से किटें मारना शुरू कर दिया है, जो छोटे छोटे स्थानों पर जाकर के उनको बांटेगा। सरकार की मंशा एक तो लोगों का मनोबल इस कोविड पीरियड में बनाए रखने की है, दूसरा उनको सुरक्षित और उनको संरक्षित करना। सिडकुल में दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। मामला रोशनाबाद थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। रुद्रप्रयाग के दूरस्थ क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग की लापरवाही उजागर हुई है। दरअसल लोक निर्माण विभाग के ठेकेदार द्वारा हॉट मिक्सिंग प्लांट लगाया गया है, और बीते रोज हॉट मिक्सिंग प्लांट में अनियमित तरीके से फैलाए गए तारकोल की चपेट में कई लोगों के पशु फंस गए। इस मामले में जिला पंचायत सदस्य डीएम से मामले की कार्यवाही की बात कही है। ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार की वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिला पंचायत सदस्य का कहना है कि उनकी समस्याओं का हल नहीं निकाला गया तो वह उग्र प्रदर्शन करेंगे। लक्सर पुलिस ने वृद्ध महिला की हत्या का खुलासा किया है। दरअसल मुंडा खेड़ा कला गांव में बीते 5 जून को एक वृद्ध महिला की हत्या कर दी गई थी, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। लक्सर पुलिस लगातार 10 टीमें बनाकर इस हत्या आरोपी को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही थी, जिसके बाद अब पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 8 बजे हमारा कोतवाली लक्सर में सूचना प्राप्त हुई कि मुंडा खेड़ा गांव है, इसमें जो है बुजुर्ग महिला का हत्या करके मार दी गई है करके। तत्काल दोस्तों सभी उच्च अधिकारी जो है मौके पर पहुंचे और टीम गठित करी, इसमें आज हमें सफलता मिली। इसका मर्डरर जो है, जो इस महिला का जमीन का देखभाल करता है राजेंद्र, जिसको 15 दिन पहले सरपास हो चुका है, उनका बेटा राहुल ही निकला है। इनका जमीन लेने देने का संबंध का झगड़ा में जो है, जो 4 तारीख को 13वीं हुआ था, उसमें भी जो मृतक है और इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था, उससे कुंडक लेते हुए 4:05 को जो रात में जो है ये घर के अंदर घुस कर इनका गला घोट कर, चिमनी से गला घोट कर और पत्थर से इनका ऊपर हमला करते थे। हरिद्वार के कनकल थाना क्षेत्र में यात्री बस में अचानक आग लग गई। बस में लगी आग की वजह से लोगों में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड की टीम को दी। इसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लक्सर के नगर कोतवाली इलाके में एक बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई। इस हत्या में पुलिस को सफलता मिली है और हत्या का खुलासा किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने इसके लिए स्क्वाड टीम और सर्विलांस टीम का भी गठन किया। फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी के तहत कार्यवाही करते हुए उसे जेल भिजवा दिया गया है। पुलिस ने यह भी जानकारी दी कि पैसों की वजह से बुजुर्ग महिला की हत्या की गई है। तारीख को सुबह लगभग 8 बजे हमारा कोतवाली लक्सर में सूचना प्राप्त हुई कि मुंडा खेड़ा गांव है, इसमें जो है बुजुर्ग महिला का हत्या करके मार दी गई है करके। तत्काल दोस्तों सभी उच्च अधिकारी जो है मौके पर पहुंचे और टीम गठित करी, इसमें आज हमें सफलता मिली। इसका मर्डरर जो है, जो इस महिला का जमीन का देखभाल करता है राजेंद्र, जिसको 15 दिन पहले सरपास हो चुका है, उनका बेटा राहुल ही निकला है। इनका जमीन लेने देने का संबंध का झगड़ा में जो है, जो 4 तारीख को 13वीं हुआ था, उसमें भी जो मृतक है और इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था, उससे कुंडक लेते हुए 4:05 को जो रात में जो है ये घर के अंदर घुस कर
इनका गला घोटकर, चुनी से गला घोटकर और पत्थर से इनका। लाल कुआं के मोटा हल्दू इलाके में एक कार्यक्रम में हर्ष फायरिंग हुई। कार्यक्रम में हुई हर्ष फायरिंग का वीडियो भी बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। इस मामले में कोतवाल संजय कुमार ने बताया कि मोटा हल्दू में बिना अनुमति के आयोजित हुई पार्टी में कुछ सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए भी लोग पाए गए, जिसमें 7 लोगों पर फिलहाल मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साथ ही फायरिंग करने वाले पर भी कार्यवाही की जा रही है। फायरिंग करने वालों पर शस्त्र अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसको देखने से लग रहा था कि कहीं किसी शादी समारोह में या किसी फंक्शन में वहाँ पे सोशल मीडिया का वो सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं किया गया था। कोरोना गाइडलाइन, कोरोना SOP का पालन नहीं हुआ था और कुछ लोगों द्वारा वहाँ गैदरिंग इकट्ठी करके एक फंक्शन बनाया जा रहा था और उसमें कुछ आदमी जो है असलों से फायरिंग करते दिखाई दे रहे थे। उसके वीडियो की जाँच के आधार पर थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था कोरोना गाइडलाइन के पालन न करने का और महामारी। पहाड़ों में कोरोना कर्फ्यू में अब ढील दे दी गई है। हल्द्वानी में भी हार्डवेयर, रेडीमेड कपड़े, बर्तन, साइकिल स्टोर, मोटर पार्ट्स, इलेक्ट्रीशियंस मार्केट की दुकानें फिलहाल खोल दी गई हैं। इसी वजह से बाजारों में काफी चहल पहल देखने को मिली। लंबे अंतराल के बाद लोग घरों से जरूरत का सामान खरीदने के लिए बाजार में दिखाई दिए। इस दौरान कई जगहों पर अव्यवस्था भी देखने को मिली है। लोग कोरोना कर्फ्यू में मिली छूट के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का भी उल्लंघन करते हुए नजर आए। इस दौरान पूरे बाजार की स्थिति को व्यवस्थित करने के लिए जगह जगह के थाना व पुलिस भी घूमती हुई नजर आई। आज 45 दिन बाद बाजार खुला है, बहुत अच्छा लग रहा है। बाजार खुलने के बाद कस्टमर को भी बड़ा अच्छापन लग रहा है। कस्टमर आ रहा है, सामान लेके जा रहा है, वरना तो कस्टमर परेशान हो रहा था। और हम तो ये चाहते हैं कि धीरे धीरे इसी तरीके से रोज बाजार खुले, चाहे 4-4 घंटे के ही लिए खुले। इससे बाजार में भीड़ भी नहीं होगी और लोगों को भी परेशानी। और इसी के साथ उत्तराखंड के समाचारों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम TV के साथ। नमस्कार।